हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, 1983 वर्ल्ड कप की जीत की कहानी पर बनी फिल्म 83 का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है। कैप्टन कपिल देव का किरदार निभा रहे रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर इस ट्रेलर को शेयर किया। इमोशन और एक्शन से भरी वर्ल्ड कप की जीत की कहानी की झलक इस ट्रेलर में दिखाई दी और फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 24 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 2, कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद कंगना ने पुलिस में धमकी देने वाले बठिंडा के एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये बात खुद कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए शेयर की है। इस पोस्ट में कंगना ने FIR की कॉपी भी शेयर की है, इसके साथ उन्होंने एक लंबा नोट भी शेयर किया है। नंबर 3, एक्टर सोनू सूद को बतौर मसीहा पहचाना जाता है, इसलिए उनके चाहने वालों में से एक गुर्रम वेंकटेश ने सोनू सूद का मंदिर बनवा दिया। खम्मन जिले के गारगला पड़ा गाँव में बने इस मंदिर के लिए वेंकटेश ने परिवार की मदद ली। हालांकि जब सोनू को ये खबर लगी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इसकी जगह स्कूल बनवाओ। नंबर 4, टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत की शूटिंग कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने फिल्म के सेट से कुछ पिक्चर शेयर की। इन पिक्चर्स में टाइगर के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी भी पोस्ट देते दिख रहे हैं। फोटोज के कैप्शन में टाइगर ने लिखा, मेरे बॉसमैन उर्फ प्रोड्यूसर साहब उर्फ प्रो के साथ मस्ती करते हुए गणपत। इन पिक्चर्स में टाइगर शर्टलेस होकर जैकी के साथ बर्फबारी के बीच सड़क पर पोस्ट देते दिख रहे हैं। नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 साल पूरे होने पर होने जा रहे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर राहुल मित्रा को भी ब्रांड सलाहकार नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष प्रसंग सोना दोरजी ने इसकी घोषणा की। अनाउंसमेंट से पहले राहुल और संजय सोमवार दोपहर को मुंबई से डिब्रूगढ़ और फिर हेलीकॉप्टर से मेचुका पहुंचे। इसके बाद संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर इस खबर को फैंस के साथ शेयर किया। नंबर 6, विकी कौशल और कटरीना ने 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान के बरवाड़ा में शादी करने की प्लानिंग की है। इस बीच विकी को मंडे को कटरीना के घर के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान विकी ब्लू टी शर्ट पहने नजर आई। इसके पहले ये खबरें सामने आई थी कि दोनों ने अपने गेस्ट को इन्विटेशन देना शुरू कर दिया है और मुंबई में कोर्ट मैरिज के बाद दोनों वेडिंग वेन्यू के लिए रवाना होंगे। नंबर 7, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान सोमवार को अहमदाबाद में अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए पहुंचे। इस दौरान सलमान ने साबरमती इलाके में मौजूद गांधी आश्रम का भी दौरा किया। सलमान ने आश्रम के हृदय कुंज और गांधी जी के कमरे का दौरा किया। गांधी आश्रम में पहुंचे सलमान का सूट की आर्टी पहनाकर स्वागत किया गया। सलमान ने आश्रम के विजिटर बुक में एक मैसेज भी लिखा। सलमान ने लिखा, मैं यहाँ आकर खुद को लकी मानता हूँ। यहाँ आना एक बड़े सम्मान की बात है। मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगा। नंबर 8, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट लंबे समय से अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में हैं। पहले खबर थी कि दोनों दिसंबर 2021 में शादी करेंगे, फिर कहा गया कि शादी टल गई है और अप्रैल 2022 में शादी होगी। मगर अब खबर है कि रणवीर और आलिया अपनी शादी की डेट एक बार फिर टाल चुके हैं और अब उनकी शादी दिसंबर 2023 में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर और आलिया के नज़दीकी सूत्र ने बताया कि इन दोनों के पास इस समय इतना काम है कि इनके पास पूरे साल शादी का टाइम नहीं है। दोनों डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं जो भारत से बाहर होगी, ऐसे में इसकी तैयारी और शादी के लिए काफी टाइम लगेगा। नंबर 9, सलमान खान ने अपनी फिल्म अंतिम द फार्म फ्रूट से बॉलीवुड में फिर से अपने बहनोई आयुष शर्मा को लॉन्च किया है और इसी फिल्म के जरिए सलमान और आयुष की जोड़ी पर्दे पर एक्शन करती नजर आई। इस फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं और अब सलमान की फिल्म कमाई के मामले में धीरे धीरे ट्रैक पर आ गई है। फिल्म ने 4 दिन में 21.85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। नंबर 10, एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपने बॉडीगार्ड को फटकार लगाई। दरअसल उनके बॉडीगार्ड ने एक पैपराजी को धक्का मार दिया और ये घटना फिल्म अतरंगी रे के गाने चकाचक के लॉन्चिंग इवेंट में हुआ। इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में सारा माफी भी मांगती नजर आ रही है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।